पायस जी और प्रिंस जी कैसे हैं आप दोनों? देखिए आपको देख के क्यों क्यों मुस्कान है आपको देख के? आपको आप है ही ऐसे, सॉरी चालू है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अच्छा प्रिंस जी आज क्या कुछ खास है कि हम लोग यहाँ स्विमिंग पूल में इकट्ठे हुए हैं? आज पायस जी का जो सीरियल है अपना G5 का बंधन टूटे ना, उसका 150 एपिसोड पूरा हुआ है, तो पायस जी को शुभकामनाएं और बधाई देने। तो सही बात है ना, बंधन कभी टूटना ही नहीं चाहिए। हाँ, और खास करके प्रिंस और पायस का, पी से प्रिंस और पी से पायस। पायस जी हमारे साथ में देखिए प्रिंस भाई हैं और पीछे स्विमिंग पूल है, जरा बताइए सबसे पहले लोकेशन कौन सा है? ये लोकेशन है फ्यूचर स्टूडियो गोरेगांव ईस्ट, ये आपको पकड़ना है। अच्छा इसको पकड़ना है। और स्विमिंग पूल खास जगह हम लोगों ने इसलिए चुना है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनका फेवरेट प्लेस है, उनको बहुत पसंद है स्विमिंग पूल, तो मैंने बोला क्या बात है, क्योंकि हमेशा आजकल स्विमिंग पूल में ही दिख रहे हैं। जलने की बू नहीं आ रही कहीं प्रिंस? प्रिंस कहीं से जलने की बू आ रही है क्या? समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये एपिसोड इतना खास क्यों रहा आपके लिए, बताएं? एपिसोड खास नहीं, ये बंधन ही है। इट्स बीन वन ईयर नाउ, एक साल हो गया फ्यूचर स्टूडियो में मुझे शूट करते हुए। और जब मैंने ये शो शुरुआत किया था, साइन किया, तो मुझे नहीं लगा था ये दौर इतना लंबा इतना अच्छा बीतेगा। तो ये 150 एपिसोड पूरे हो गए हैं। मेरा पहला भोजपुरी शो था ये, जो अब हिंदी हो गया। मैंने सोचा नहीं था इतने आसानी से इतने जल्दी ये सफर तय होगा। पहला ऐसा शो है जो भोजपुरी शूट हुआ फिर हिंदी हो गया? हाँ। तो इसके बारे में और बताएं, कौन से आपके साथ स्टार कास्ट हैं, डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है विजय सर, बहुत ही अच्छे हैं, टीवी के बहुत जाने माने डायरेक्टर माने जाते हैं। और एक्टर है सीमा पांडे, शिवम, फलक, गुंजन और मैं और रुद्र, काफी करेक्ट। अभी इस फिल्म में है, अभी इस टीवी शो में है? इन्हीं पे शो चल रही है, जाग जाइए। अच्छा मुझे इनका मुझे एक एक्चुअली लगा मुझे एक डुप्लीकेट कोई नीचे खड़ी शायद वो है। आप स्विमिंग पूल से बाहर कब निकलेंगे संजय जी? तो कल आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, कैसा रहा कल का दिन आपके लिए? कल का बहुत ही हेक्टिक दिन रहा, क्योंकि हम 10:30 तक शूट किए, हमें फुटेज निकालना था 30 मिनट का, तो हम लोगों ने 10:30 तक शूट किया। उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग की, उसके बाद हमने डिनर का हमारे प्रोड्यूसर ने प्लान किया, जो मैं नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि मेरा सुबह 8:30 का कॉल टाइम है। काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमेशा, और सब मुझे जानते हैं कि मैं काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहती, इसलिए मैंने डिनर स्किप कर दिया और बहुत अच्छा था। आप इस सीरियल में हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं जो अभी पास में ही हैं। मैं चाहता हूँ सीनियर आर्टिस्ट को